गुड आफ्टरनून गाइज, ये वेलकम बैक टू माई चैनल की। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे स्किल्स मिलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्किल्स मिलते हैं और इंटरव्यूज के स्किल्स मिलते हैं, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग स्किल्स मिलते हैं। तो आज का हमारा जो ग्रूमिंग से रिलेटेड स्किल्स होगा, आपने हमेशा सुना होगा कि जब आपको लगता है कि आपका अटायर बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा कि आपका अटायर अच्छा है और आपका मेकअप भी अटायर से मैचिंग है, तो आपका जो कॉन्फिडेंट है ना इनबिल्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है और आपकी एक होता है ना हेजिटेशन, किसी से बात करने में हेजिटेशन होती है, तो वो सारी चीजें थोड़ी ओवरकम हो जाती है जब आपको लगता है कि आपका मेकअप भी अच्छा है और आपका अटायर भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मल वियर आपने पहना हुआ है, या फिर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेकअप है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अटायर्स हैं। सो आज हम ऐसे ही ग्रूमिंग की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि आप अपना जो होता है कि मेकअप तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन फेस पे ना एक ग्लो नहीं आ पाता है, या फिर कोई ना कोई आपको लगता है कि हाँ फीका लग रहा है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप्स बताती हूँ कि आप चाहे तो अपने फेस पे मतलब इतना ज्यादा मेकअप ना करें, बहुत लाइट मेकअप करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अपने आईब्रोज को डिफाइन जरूर करें। गाइज आपको बताएं कि आईब्रोज डिफाइन करने से ना आपके मेकअप में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, आपके फेस के ग्लो में चेंजेस आते हैं, आपका फेस बहुत अच्छा दिखता है। तो जैसा कि अभी मैं आपके साथ ही शेयर करूंगी, आपके साथ ही ये मेकअप में करूंगी, तो आपको भी लगेगा कि मतलब कितने ज्यादा चेंजेस। अगर आप आपको कहीं जाना है कि ज्यादा गेट टूगेदर है तो ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस अपनी आईब्रोज को डिफाइन कीजिए, क्योंकि आईब्रोज के बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है हेयर्स के बीच में, तो वो एक आप अपनी आईब्रोज को डिफाइन कीजिए। आईब्रोज को डिफाइन करने के बाद तो आपकी ना आईब्रोज डिफाइन होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं मार्केट में जाना है या नॉर्मली किसी जैसे होता है ना कि किसी फ्रेंड्स के गेट टूगेदर में जाना है, कि किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जाना है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो नॉर्मल सा एक हल्की सी फाउंडेशन लगाइए और थोड़ा सा आईब्रोज को डिफाइन कीजिए, और आईब्रोज को डिफाइन करने के बाद हल्का सा काजल आंखों में लगा लीजिए, इनर ब्लू आउटलाइन और आउटर आउटलाइन, तो बहुत ही सुंदर आप लगेंगे और हल्का सा आप ग्लोज लगा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए ना बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारी जैसे एक शेडो किट भी आती है, आईब्रो डिफाइनर आते हैं। एक तो आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए ना हमेशा कभी भी आप ब्लैक कलर का यूज मत कीजिए, हमेशा आप यूज कीजिए ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन। ब्लैक कलर से क्या होता है ना कि बहुत आर्टिफिशियल आईब्रोज लगती हैं, लेकिन ब्राउन कलर से क्या होता है ना कि वो उसमें मर्ज हो जाता है, तो बहुत ही नेचुरल लुक आता है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके आप अगर नॉर्मली आप किसी प्रैक्टिस पर हैं, बिगनर हैं, तो आप जो आपके पास आई शेडो किट होगी, आई शेडो किट में जो ब्राउन कलर है उससे अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। थोड़ा पतला ब्रश होता है आईब्रोज फिल करने का, लेकिन आज जो मैं दिखाऊंगी मतलब आप केक वाले जो आईब्रोज के फिलर्स आते हैं उनसे भी कर सकते हैं, आप पेंसिल वाले फिलर्स आते हैं उनसे भी कर सकते हैं, किसी से भी आप फिल कर सकते हैं, बट फिल करने के कुछ टिप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे आज मैंने ज्यादा मेकअप किया नहीं है, मेरी आईब्रोज आपको दिख रही है, मतलब क्लीन तो है, मतलब ट्रिम है, लेकिन अभी गैप इसमें दिख रहा है। तो मैं जो यूज करूंगी ये एब्यूज का यूज करूंगी, लुक एब्यूज का ब्राउन पेंसिल है ये 03 लाइट ब्राउन, ठीक है। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, इसके साथ एक ऐसा ब्रश भी है जो मर्ज करने के लिए। तो जब भी आप आईब्रोज को डिफाइन करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आगे की साइड से आपको आईब्रोज को डिफाइन नहीं करना है। अगर आप ब्रश की हेल्प से भी करती हैं तो आपको यहां से शुरू करना है आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए। अब आप देखिएगा, मैंने एक मिरर सेट किया हुआ है तो मैं मिरर की हेल्प से कर रही हूं। लुक ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली कि मुझे ये शेप चाहिए, मुझे आर्ट शेप चाहिए, राउंड शेप चाहिए। एक लाइन यहां मैंने ड्रॉ कर ली, एक इस तरह से हल्की हल्की लाइन ड्रॉ करनी है, ज्यादा डार्क नहीं करना है, और उसके बाद फिल कर लेना है। अब आप खुद से देख सकते हैं कि मेरे दोनों आईब्रोज में कितना डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं बता देती हूँ। तो ये जैसे मैंने डिफाइन कर ली है अपनी आईब्रो ऑलरेडी, कितना भी डार्क आप डिफाइन कर लो जो आपको सही लगता है।
रिफाइन करने के बाद मेक श्योर कि आपको ना उसे ब्लेंड करना है। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा आगे की साइड ना बहुत हल्के हाथ से आपको पेंसिल चलानी है, 1 2 3 4 बस, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद डिफाइन करना शुरू कीजिए, ब्रश करना शुरू कीजिए लाइक दिस। अब देखिए आप मेरी दोनों आईब्रोज में कितना चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा ये फैल गया है, इसे हमें किस तरह से सेट करना है अब आप ये भी देख लीजिए। तो कोई भी कंसीलर जो आपके पास हो उसकी हेल्प से आप इसे थोड़ा सा अच्छा शेप दे सकते हैं। अब आप कैसे देंगे, ये मेरा कंसीलर है NYBay का, मैंने मंगवाया था purple.com से। ठीक है, हल्का हल्का सा, मतलब अगर आप बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं किसी शादी पार्टी के लिए तो थोड़ा डार्क कर लीजिएगा। अब आप देखिए मेरा ये लुक बहुत लाइट लुक है, जिसमें मैंने एक होता है ना हल्का सा लाइनर लगाया हुआ है, बहुत हल्का सा लाइनर लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है। ये लुक कितना चेंज है एंड आफ्टर दैट मेरा ये लुक बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बस एक अपनी आईब्रो को डिफाइन किया और मेरा लुक प्रॉपर चेंज हो गया है। तो इसी तरह से आपका एक हल्के से आईब्रोज को डिफाइन करने से आपका मेकअप का लुक चेंज हो जाता है। तो आईब्रोज को डिफाइन करने से आपका मेकअप का लुक चेंज हो जाता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको अपनी आईब्रोज को डिफाइन करना है। आईब्रोज को डिफाइन करने का ट्रिक मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्टार्ट, और ज्यादा कुछ ना ज्यादा टाइम चाहिए ना ज्यादा चीजें चाहिए, बस इस तरह से अपने आईब्रोज को बैक से पहले कॉम्ब करना है, बैक से पहले आपको स्टार्ट करना है। देन यू कैम टू फ्रंट, और फ्रंट पे आपको बहुत हल्का हल्का सा ट्राई अप्लाई करना है और बस ब्रश ऑफ कर देना है। ब्रश ऑफ करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा है या मतलब मर्ज हो जाता है, वो आर्टिफिशियल नहीं लगता है। ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा, एक तो मेकअप में भी लुक अच्छा आएगा, दूसरी चीज देखिए मतलब बहुत हल्का सा किया है। इस साइड तो मैंने ज्यादा फिनिशिंग की भी नहीं है कि कंसीलर नहीं लगाया, बहुत हल्के से लगाया और बस ब्रश कर दिया। हमेशा आईब्रोज को डिफाइन करने के बाद स्पैचुली आती है या फिर इस तरह के ब्रश आते हैं, उनसे आप डिफाइन जरूर कीजिएगा। तो ये थे मेरे आज के ट्रिक, आज का टिप्स, आज का ग्रूमिंग टिप्स। आप खुद से देखिए कि मतलब फेस में कितना चेंज नजर आ जाता है ऑटोमेटिकली। और आर्टिफिशियल भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल मैंने मेकअप किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे को मेरी वीडियोस पसंद आती है और आपको लगता है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर आप बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं कुछ चीजों को लर्न कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज ऑल्सो। और अपने एक हल्के से मेकअप को करने के लिए, एक 5 मिनट के मेकअप में आपको इनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस पेंसिल को आप एज ए, अगर आपको इसी तरह का जो लिप कलर चाहिए तो एज ए लिप कलर भी यूज कर सकते हो, आईज में भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो, तो 3-in-1 पेंसिल हो गई। तो यार गाइस कीप परचेजिंग इट फ्रॉम दी purple.com और amazon.com। सो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में विद सम लवली टिप्स एंड सम स्किल्स ऑल्सो। सो काइंडली बी हैप्पी, बी सेफ फ्रॉम कोरोना, और ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।